सो यू गाइस, आई एम महान, आई एम बैक विद अनदर वीडियो. या आई नो दिस वीडियो विल ऑल्सो बी इन हिंदी. द इंट्रो इज इन इंग्लिश बट द वीडियो इज इन हिंदी. सो हाँ, आज मैं एक नए गेम के साथ आ चुका हूँ. ये गेम है क्लैश ऑफ टाइटन्स. लाइक ये गेम बहुत पुराना है बट गेम में मज़ा बहुत आता है. और बाकी अगर आपको कोई से फैन लाइक फैन की रोटेटिंग अगर जब फैन रोटेट होता है अगर कोई आवाज़ आ रही है तो मेरे को माफ़ कर दीजिए बिकॉज मेरे साइड में मेरा पीसी है. या देख सकते आप, आवाज़ सुन सकते हैं. मैं एकदम सीपीयू के पास लेके जा रहा हूँ. सीपीयू के फैंस जब रोटेट हो जाए तो आवाज़ आती है. सो इसीलिए वेट, मेरे को रिकॉर्डिंग पॉज करनी पड़ेगी 2 सेकंड. ओके, वीडियो शायद से पॉज नहीं हो सकती तो आपको 2 सेकंड के लिए होल्ड करना पड़ेगा. मेरे को 1 सेकंड पीसी के लिए कुछ करना पड़ेगा. 2 सेकंड. ओके, सो अभी जो वीडियो है उसके बैकग्राउंड में मैं एक आई थिंक सो मतलब एक यूट्यूब से वो चला रहा हूँ. हाँ, कॉपीराइट फ्री है. एक लाइक चिल म्यूज़िक लगा रहा हूँ. एक ट्यून जैसे पियानो ट्यून्स बजती हैं वैसे इंस्ट्रूमेंटल ट्यून रहेगी. मेरे को तो आवाज़ आ रही है. अब होप सो वीडियो में भी आ जाए क्योंकि एक्चुअली लाइक डायरेक्ट मेरे ईयरफोन्स से आवाज़ आ रही है. सो हो सकता है कि मेरे को आ रही हो आपको ना आ रही हो. बट मैंने ट्राई करा था पिछली बार तो आ रही थी. और पिछला वीडियो आपको कैसा लगा ये बताना, बल्कि उस पर व्यूज़ आए नहीं. और सो ये गेम है क्लैश ऑफ टाइटन्स. इसमें होते हैं बहुत सारे टाइटन्स. लाइक सी, जैसे आप लेवल अप करते रहोगे आपको मिलते जाएंगे नए टाइटन्स. जैसे एक टाइटन है विल्हाइन. ओके, ये मेरा फेवरेट है. ओके, ये एक्चुअली एक मार्क्समैन है तो इसकी रेंज मारने के लिए बहुत बड़ी है. टेलनास, ये भी एक मार्क्समैन है. और मार्क्समैन जितने भी उनके सबकी रेंज बड़ी रहती है बिकॉज वो या फिर गन यूज़ करते हैं या तो फिर वो कुछ लाइक कुछ और भी बोल सकते हो लाइक बो एंड एरो. वो ये सब यूज़ करते हैं. लाइक टैंक हो गए. लाइक टैंक में मेलॉक ही अनलॉक करा मैंने. लाइक उसका अटैक बहुत हैवी रहता है बट चलने में वो बहुत स्लो रहता है. वॉरियर लाइक स्वॉर्ड से फाइट करेंगे या कुछ और चीज़ से फाइट करेंगे. वॉरियर्स में भी मेलॉक आता है बिकॉज मेलॉक हैंड फाइट करता है सीधा. जैसे आर्थुर, आप आर्थुर को ले लो. वो यूज़ करता है स्वॉर्ड. वो एक वॉरियर है. सो टाइप ऑफ थीम उसकी वैसी है असैसिन. असैसिन्स का मेरे को कोई आइडिया नहीं. मेज मैंने देखा था. मेज ना थोड़े काइंड ऑफ मैजिक कर सकते हैं. ये लोग मैजिकल अटैक करते हैं. और मार्क्समैन मैंने आपको बता ही दिया. सो मैं हर मैच में लाइक अभी मैं रैंक नहीं खेलूँगा. मैं 5v5 खेलूँगा बिकॉज इसमें ज़्यादा मज़ा आता है. क्योंकि अगर अभी मैं रैंक खेलने बैठूँगा सो वो एक्चुअली आपको मज़ा नहीं आएगा. या बिकॉज उसमें प्रॉपर इतना फोकस करके खेलना पड़ता है. मैंने बहुत मैच खेले हैं बट एक्चुअली उसमें बहुत ज़्यादा वो लगता है. ओके, सबने रेडी कर चुके हैं. मैं ओके, आपको आई थिंक सो आपको गेम लैग दिख नहीं रहा होगा. मेरे को बहुत लैग हो रहा है. यस, बहुत लैग हो रहा है. मेरा गेम फ्रीज हो गया था 2 सेकंड के लिए. ये है विल्हाइन. ये इसकी स्किन है गोल मशीन की. ये रोनाल्डो पे बेस्ड है, CR7. ओके, नेथ्रा, ये भी इसकी एक स्किन है. लाइक ये नहीं करना था. ये नेथ्रा ब्रो, ये एक गूगल प्ले बहुत वो करता है. टेक्नो टेम्पलर, शार्क टेमर एंड रैमबॉट आर्सेनल. ये एक्चुअली
स्किन्स की कुछ अलग अबिलिटीज भी रहती हैं। बट मेरे को एक सेकंड, मेरे को नॉर्मल नॉर्मल वाला एन, नहीं यार, मेरे को नॉर्मल वाला एन के साथ जाना था यार। नो यार, देखो नॉर्मल वाला एन इसकी तरह लगता है, आप जैसे दूसरी वर्सेस जो नीचे दिखा रहा है उसमें सेकंड वाले को देख लो आप, वो वलायन नॉर्मल वलायन ऐसा दिखेगा। अब मैंने गोल मशीन सेलेक्ट कर लिया। ओ गोल मशीन की कुछ एबिलिटी, वो तो एबिलिटीज तो सेम ही रहती हैं। आप जैसे मेरे नाम, ओके भाई चल ले भाई, ये देखिए आपके मतलब एकदम यहाँ पे पंच रहेगा, ये आप मेरी रेंज देख सकते हो, और यहाँ पे जो तीन दिखा रहा है ना वो अबिलिटीज हैं, शुरिकेन्स हैं। ये शुरिकेन हिट करता है, ये शुरिकेन फेंकता है, बो एरो गन शुरिकेन्स। और जो अभी येलो वाली जो अभी मैंने अनलॉक करी है उसका वो ये वलायन है जिसको मैं मार रहा हूँ अभी, जो एबिलिटी मैं यूज कर रहा हूँ उसका नाम है स्टन, वो स्टन कर देती है। और गेम वॉइस बहुत ज्यादा हो रही है। ओके मेरा फर्स्ट ब्लड आया, यस। हम ना एक एक करके लाइक, ये मेरे को एक्चुअली अच्छा मैंने ऑफ कर देना चाहिए था भाई, आई थिंक सो। जैसे टावर आपको हिट कर सकता है, बट आपको जैसे तैसे करके टावर्स को ही तोड़ना है। आपको क्या करना है, जैसे आपके जो छोटे छोटे मिनियंस आते हैं, जैसे ये देखो ये हमारे ये छोटे छोटे मिनियंस आ रहे हैं, ये जब टावर इन पे एम करेगा, जब आप उतनी देर में आपको टावर को हिट करना है। सो यही है गेम, इतनी देर में, और ये गेम ऑटो में चलता है, ऑटोमेटिकली भी हिट करूंगा, बट जैसे ही वो लोग मर गए वो आप पे एम करेगा तो वो आपको मार सकता है। जैसे वो मर गया वो बंदे पे एम हो गया, तो आपकी बहुत हेल्थ लेके जा सकते हो। और यहाँ पे वेट 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 वेट, लेट मी हैंडल। ओके मेरी अबिलिटी, मेरे जो सीक्रेट अबिलिटी ना उसने मार दिया। ओके टावर टूटने वाला है इनका टावर। ओके मेरी फाइनल एबिलिटी अनलॉक हो गई है, वो बहुत पावरफुल है। ओके मैं पावरफुल भी हो गया हूँ थोड़ा। ओ हिट नहीं हो पाया वो, लास्ट हिट था वो माना लेके आया, मैना वो होता। नहीं जाना मेरे को अंदर भाई, प्लीज मारा जा। ओके नथिंग हैपेंड। देखो जब भी मैं थोड़ा उधर लेके जाता हूँ, ये आपको लाइन बाय लाइन तीन टावर डिस्ट्रॉय करते आपको यहाँ पे आना है, ये इनका बेस है। जैसे हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे हम लोग जीत जाएंगे। सो बस ये है पूरा गेम, कंसंट्रेशन बहुत लगती है। मेरी ड्रैगन लेन ये है, आप सोचते होगे आप हर बार मैं हर बार इस लाइन में क्यों जा रहा हूँ। मैं अगर आप मैप में फोकस करोगे, ये अगर मैं मैप में पकड़ के कहीं पे भी करता हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। अगर मैं उससे जाऊँगा वो मेरी ड्रैगन लेन नहीं होगी और मेरे को उस लेन की आदत भी नहीं होगी। मैं दूसरा कैरेक्टर लेके मैं कंफर्टेबल रहूँगा उस साइड पर। और आपने देखा होगा बीच बीच में यहाँ पे कुछ चीज आती है जैसे ग्लव और डैगर, और वो ऐसे आते हैं, वो टाइप ऑफ स्किल रह जाती हूँ, आप बाय कर सकते हो। थोड़ी देर में आपको पॉइंट्स हो जाएंगे तो आप बाय कर सकते हो, और यही मेरे को गेम के एंड में बहुत पावरफुल बनाते हैं।
न्यू लेन, न्यू लेन ये साइड न्यू लेन है, ये साइड ये न्यू लेन साइड, ये इस साइड का उस साइड है। और एक मिड लाइन रहती है, एक न्यू लाइन रहती है, और एक ये लाइन रहती है, ये ड्रैगन लेन रहती है। और मेरी ये लेन लाइक वलायन जो है वो ये लाइन पे अच्छा खेलता है। मेरा प्लेयर इस लाइन पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा बट उस लाइन पे नहीं करेगा। ओके, मैंने एक टावर डिस्ट्रॉय करा, ये अच्छी बात है। इनमें चीजों का कूलन बहुत मतलब बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बीच बीच में से चीजें स्पॉन होते रहती हैं, वो एक्चुअली रहते हैं। अगर आप उनको किल करते हो आपको गोल्ड मिलेगा, जो इस साइड देख सकते हो ना, जो चीजें बाय कर सकते हो आप वो उन्हीं की मदद से कर सकते हो। मैं अभी किसी को मारूंगा नहीं बिकॉज टावर डिस्ट्रॉय। ओके, अब मैं मारूंगा। ओके, शायद से उसको एक भी अटैक नहीं लगा। यस, हील 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 हील। नहीं यार, वो कितना। हेलो ब्रो। ओके, इग्नोर दैट इग्नोर दैट। कायदे से कुछ नहीं हुआ, दोनों ने एक दूसरे को मारा। तो जब तक आप यहाँ पे हो ना, मैं आपको एक बीच बीच में कुछ एरियाज रहते हैं, ड्रैगन लेन के बाद ये एक एरिया रहता है। यहाँ पे आपको दिख सकते हैं, ये है ड्रैगन, और ऐसे ही थोड़ा इधर चलते जाएंगे। अच्छा, वो थोड़ा इस साइड पे आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, यहाँ पे स्पॉन होता है स्लेयर। ओके, स्लेयर लोगों ने मार दिया अभी, क्योंकि स्लेयर ने बहुत ज़्यादा गोल्ड देता है, ड्रैगन इतना नहीं देता, बट वो दोनों मैप के बॉस मान सकते हो, बहुत ज़्यादा गोल्ड देते हैं लोग, और गोल्ड आपको इंक्रीज करा सकते हैं बहुत ज़्यादा। मेरे 1000 हो गए। अब कोई अच्छी एबिलिटी 1000 में जो होगी ना, वो मेरे को प्रेफर करेगा। एक सेकंड, कॉल दे, मैं कॉल दे रहा हूँ, आ नहीं रहे। देखो अब देख सकते हो मेरे पास अच्छी एबिलिटी है सीधा। वेट अ सेकंड, व्हाई नॉट। इन पे जो भी ये मॉब्स रहते हैं ना, उन पे कभी भी अपनी फाइनल जो ज़्यादा कूल डाउन वाली एबिलिटी रहती है उस पर यूज़ ही मत करना, बहुत ज़्यादा मतलब कूल डाउन रहता है उसका, इसलिए ये बंदा मरेगा। मैं वो बंदा मरेगा। ये टावर टूट गया, बहुत अच्छा हो जाएगा। टूट गया, अगला टावर सीधा बेस। यस, गॉट किल, एक और किल। आप मेरे पीछे एक चीज देख सकते हैं, वो एक्चुअली वो भी चीजों को हिट करती हो चीज। अच्छा है, चला गया हो, मैं उस पर ध्यान ही नहीं दिया, मैं छोड़ के जाने दिया, ये मेरे को मार रहा है आके। सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने, क्योंकि मैं उस पर फोकस कर रहा था उसको तोड़ने पे। ज्यादा देर तक चीजें नहीं करो ना, ये गेम आपको बड़ा सकता है यार। ये चीजें भी मेरे, अब मैं यूज कर रहा हूँ ये सब जो है, इसमें एक्चुअली रिस्पॉन बहुत देर देर में होता है। इनका बेस हील कर सकता है। यस, द बेसिस कैन हील। ये हमारा बेस है, ये टूटना नहीं चाहिए। और ये एक्चुअली पार्ट 1 रहेगा, तो सिर्फ एक ही मैच रहेगा। ओके ओके, उधर चल रही है फाइट बहुत गंदी। और मैं अपने दूसरी टीम का जो वेलाइन है उसने किसी और को मारा है। मेरे को ना एक्चुअली गोल मशीन लेनी नहीं चाहिए थी, बट मैं पार्ट 2 में पक्का गोल मशीन नहीं लूंगा। इसको मारो पहले तो।
पे मर गया। वलायन किल्ड वलायन, सीधे से ये हुआ है। देखा इनका बेस ने हील कराया, आप पीछे करके देख सकते हो। अरे मारना यार भाई, मैंने ऑटो पे छोड़ा ही नहीं उसको। भाई वाह, ऑटो अटैक्स होते हैं गेम में। यस विक्ट्री, आई थिंक सो एमवीपी मैं नहीं आऊंगा, जिस तरीके से मैंने खेला है मैं नहीं आऊंगा। वलायन को +29 XP मिली। ओके क्लीनिंग बैटल फील्ड, प्लीज वेट, हमको रुकना पड़ेगा थोड़ा टाइम, लाइक 10 to 20 seconds, ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। देखो बोला था मैंने। ओके MVP आया हूँ मैं, MVP। एनिमी स्किल 7, वाओ अच्छा था। और इस गेम में ओवर 100 टाइटन्स हैं, तो मेरे को मेरे सारे टीममेट्स ने लाइक कर दिया। और जैसे आप लेवल अप करते हो आपको और ज़्यादा टाइटन्स मिलेंगे। कुछ टाइटन्स रहेंगे जो आप सिर्फ बाय कर सकते हो, कुछ इवेंट टाइटन्स रहेंगे जो सिर्फ आप एक बार रह सकते हो, फिर वो लिमिटेड हो जाएंगे, फिर आप परचेज भी नहीं कर सकते हो इवन। सो कुछ रहते हैं। और मेरे को एक नई स्किन मिली है, टाइटन नहीं स्किन मिली है, टाइटन स्किन। कभी कभी आपको टाइटन मिल जाएंगे लेवल अप करने पे, कभी कभी उनकी स्किन्स मिल जाएंगी लेवल अप करने पे। लाइक वलायन की गोल्ड मशीन एक उसकी स्किन है। और प्लीज ओके इक्विप। सो लाइक लिटरली टाइटन्स पे आप देख सकते हैं, ये तो सिर्फ वो है ऑल देख सकते हैं। मैं इतनी जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ ना, ये एक्चुअल मतलब ओवर 100 नहीं है, सॉरी। फ्यूचर में इन फ्यूचर आ जाएंगे, मतलब हर एक सीजन में आते हैं, बहुत हर एक सीजन में बहुत आते हैं लिटरली। और इसमें एक्चुअली लाइक ये आप बहुत सारे रिवॉर्ड क्लेम्स कर सकते हो, लाइक कॉइन्स कर सकते हो। और एक टाइप ऑफ सिस्टम है इसमें, अराकना सिस्टम। यस, जैसे मैं बैकपैक पे जाता हूँ, यहाँ पे दिखता है अराकना, ये होते हैं अराकनाज। अब यहाँ पे जो एक्विप है, एक्विप दबाओगे तो आपको ये दिया जाएगा अराकना सिस्टम पे। ये जो है ना, ये टाइप ऑफ ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्प करती हैं। लाइक आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये चीज़ें दिखा रहा है आपको, यहाँ पे आर्मर, मैजिक डिफेंस, मैक्स HP /5 seconds, अटैक स्पीड, कूल डाउन रिडक्शन, ये सब अराकनास की वजह से होता है। यस, अराकनास जो रहते हैं वो एक्चुअली इन गेम आपको कुछ चीज़ें दे सकते हैं, हेल्प करा सकते हैं। जैसे मैंने सारे अच्छे वाले अराकनास लगा के रखे हैं गेम में। टोटल आई डोंट नो कितने टाइप ऑफ अराकनास हैं, बट हैं, अच्छे हैं, और उनके बेनिफिट्स भी अच्छे हैं। बट आप अराकना डिस्प्ले देख लीजिए, मैंने बस 3 टाइप के लगाए, गार्डियन, अनडाइंग और कर्स डार। अगर आप भी ये गेम खेलोगे तो आप यही रखना, आई एम टेलिंग यू यही रखना। जब आप इनको लेवल मैक्स लेवल तक कर दोगे ना, अभी ये 2-2 लेवल हैं सारे, जब आप इनको मैक्स कर दोगे ना, ये इतने अच्छे वर्क करेंगे ना। जैसे आप गेम में किसी भी तरीके से हील नहीं कर सकते, जो रिस्टोर और हील करके जो एबिलिटी रहती है वही आपको हील कर सकती है। और आपके जो टावर्स रहते हैं ना, उनके पीछे एक टाइप ऑफ मैना पैक रहता है, वही आपको हील कर सकता है। सो आप अगर लगाओगे, नहीं ये नहीं, अनडाइंग लगाओगे ना, सारे अनडाइंग लगाओगे तो आपकी 28 HP हर 5 सेकंड में बढ़ेगी। ये बहुत काम की चीज़ है। मैजिक डिफेंस +17 बढ़ जाएगा आपका बिकॉज ऑफ कर्स डार। ओके मैजिक डिफेंस आपको इतने हिट नहीं कर पाएंगे लोग। आर्मर, HP और अटैक स्पीड बढ़ाता है गार्डियन। आपकी आर्मर प्लस आर्मर हो जाएगी 31 और ये जो 17 मैजिक डिफेंस है ना, दोनों सेम तरीके से काम करेंगे, मतलब आप बहुत ज़्यादा कम डैमेज लोगे। कूल डाउन रिडक्शन एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है इसकी वजह से, लाइक बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें कूल डाउन बहुत रहते हैं। लाइक अगर मैंने हील करा,
हील करने के बाद मैं लिटरली मेरे को रुकना पड़ता है 2 मिनट. यस, रिस्टोर रहता है वो 1 मिनट का कूल डाउन रहता है, बट बहुत रहता है इन गेम आपके लिए. मैक्स एचपी मेरी 586 HP और बड़ी है, सोच लो कितने पावरफुल है. और मैंने 3 टाइप के यार रखना है, आप इनमें दो ये दो ये दो ये दो ये और दो ये लगा सकते हो. पूरे 10, इन टोटल 10 रहते हैं. और आप अगर 10 10 करके, मतलब पांच दूसरे वाले, लाइक 1 2 3 4 पांच दूसरे वाले, फिर 1 2 3 4 पांच दूसरे वाले, अच्छी बात है. आप अलग अलग, लाइक गार्डियन के साथ में इल्यूमिनेटर, समुराई, बर्सर्क, बर्सर्कर, ब्लड लस्ट, रैम्पेज, नोमैड, सॉर्विजन, सैवेज, ब्लिट्स भी लगा सकता हूँ. मतलब आप एक एक हर लगा सकते हो, एक एक. बट अगर आप एक ही और आकना बंच में लगाते हो तो आपको बहुत एडवांटेज देगा. और यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे, यहाँ ऊपर जहाँ पे ब्लू ब्लू करके कुछ फ्रैगमेंट्स दिखा रहे हैं, वो है अराकना फ्रैगमेंट्स. ये अराकना फ्रैगमेंट्स, तो आप अगर कुछ क्वेस्ट कंप्लीट करोगे, डेली क्वेस्ट, ये लाइक एक्टिवनेस के क्वेस्ट कंप्लीट करोगे, तो आपको अराकना फ्रैगमेंट्स मिलते हैं. अराकना फ्रैगमेंट्स से आप क्या कर सकते हो, आप इनको अपग्रेड कर सकते हो. लाइक अपग्रेड अराकना बहुत लेते हैं, मैं कलेक्ट कर रहा हूँ अभी वैसे. और इंस्टेंट अपग्रेड भी कर सकते हो, सभी एक साथ कर सकते हो. लेवल एक और एक लेवल है. लाइक आपके कॉइन्स भी लग सकते हैं अगर आपके पास इतने अराकना नहीं है. अराकना बहुत सारे होंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गोल्ड और अराकना वैसे. और जेम्स, जेम्स भी बहुत ज़्यादा काम में आते हैं. अभी मतलब इतना काम नहीं है मेरे को, पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा गेम में, मेरे को बहुत काम आएगा. और आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब इतनी सारी चीज़ें डाउनलोड नहीं करनी पड़ेंगी, बट चीज़ें करनी भी पड़ेंगी. लाइक ये गेम मुश्किल से इतना ज़्यादा वो नहीं होगा. मेरा लो एंड डिवाइस है, मैं लैग इसीलिए फेस कर रहा हूँ बिकॉज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और रिकॉर्ड मेरे को करना पड़ेगा. यस, पिछली बार मैं एक्चुअली 1 घंटे की वीडियो बनाई थी, आपने देखा होगा. इस बार मैं 1 घंटे की बना भी नहीं सकता, इतनी कम स्पेस है. वो 1 घंटे की वीडियो में इतना ज़्यादा स्पेस फ्री करना पड़ा था मेरे को, मैं ही जानता हूँ भाई, हैंड कैम वाली वीडियो में. यस, वो फ़ोन दूसरा था जिसमें मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा था. इस फ़ोन में कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं है क्योंकि ये हैंडल ही नहीं कर सकता कॉल ऑफ ड्यूटी को. या और आपको कुछ, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे मेल सिस्टम है. गेम आपको खुद से गिफ्ट्स भी दे सकते हैं, लाइक लोग भी आपको गिफ्ट कर सकते हैं. या लोग भी कर सकते हैं, आप भी लोगों को गिफ्ट कर सकते हो. ओके, जैसे मैंने अकाउंट अपना 1 दिन पहले ही लिंक करा था, और मेरे को उसका रिवॉर्ड भी मिला था. और मैंने जैसे ही लिंक रिवॉर्ड करा था, उसके साथ मेरे को एक और रिवॉर्ड मिला. मतलब ये रिवॉर्ड अलग से मिला, यू हैव अ फ्री नेम चेंज, एक फ्री का नेम चेंज भी मिला. और ये मेरे को रिवॉर्ड्स मिले 3, टाइटन टोकन, स्किन टोकन, मैजिक क्रिस्टल्स. अब ये सब के बारे में आपको खुद को जानना पड़ेगा गेम में. यस, खुद को जानना पड़ेगा. सेटिंग्स बड़ी ही सिंपल है, या बहुत सिंपल है. यस, सिंपल है. यस, बहुत सिंपल है, इतनी सारी चीज़ें हैं, सब सिंपल है. यस, लाइक अगर आपको एकदम अच्छी सेटिंग्स चाहिए ना, आप क्या करना, एक आइडिया है, आप यूट्यूब पर जाना, बेस्ट सेटिंग्स फॉर बीइंग प्रो एंड क्लैश ऑफ टाइटन्स सर्च कर सकते हो. मैंने अभी तक करी नहीं है. हाँ, आप कर सकते हो अगर आपको करना है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत ज़्यादा सेटिंग है. लाइक बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब समझ जाओ आप. लाइक खुद से कस्टमाइज तो कर सकते हो, बट सब नहीं कर सकते. या
और लाइक अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं, क्विक मैसेजिंग, नेटवर्क सेटिंग्स, अकाउंट सेटिंग्स एक्चुअली कुछ दिख तो नहीं रहा ना मेरा। हाँ, ये तो पता चला मेरे अकाउंट में कोई लॉगिन करके बैठा है, मैं ही लॉगिन नहीं कर पा रहा मेरा अकाउंट। और एक्चुअली फिल्टर पिंग ऑन कर रहा हूँ मैं, फिल्टर स्मार्ट पिंग, वो हर एक दो दो सेकंड में पिंग्स को रिफ्रेश बहुत जल्दी जल्दी करेगा। फॉग तो बिल्कुल ऑन मत रखना, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल मत रखना। ओके, सो अगर कंट्रोल्स की बात करें, अरे शिट, मेरा पीसी, 2 सेकंड गाइस, मेरा, हाँ ठीक है, अब कुछ दिक्कत नहीं है। अटैक मोड या मिनियन एंड टावर रखना, आप मिनियन एंड टावर की वजह से ही आप ऑटो वो कर सकते हो, ऑटो अटैक कर सकते हो, नहीं तो आपको एक एक क्लिक करना पड़ेगा एक एक करके। ये हो गई सेटिंग्स की बात हो गई। ओवरऑल ये गेम लाइक मेरे लो एंड डिवाइस पे चल जा रहा है, इस गेम पे ना एक्चुअली फ्री फायर नहीं चलता है, बैटल ग्राउंड इंडिया तो लॉगिन ही नहीं हुआ मेरा, या लॉगिन नहीं हुआ इसीलिए मैं उसका नहीं बता सकता। और दूसरा गेम है, एक गेम है 1v1 लॉल करके, 1v1.lol। ओके, वो गेम ना इतना लाइक फोर्टनाइट है बट बहुत पॉलीगॉन्स, जो पॉलीगॉन ग्राफिक रहते हैं ना उसमें, मेरा इसमें वो नहीं चल रहा है गाइस। एक गेम होगा ब्लॉकमैन गो करके, वो पहले इस गेम में, इस फ़ोन में बहुत अच्छा चलता था बट अब इस फ़ोन में वो चलता नहीं, क्योंकि ये फ़ोन बहुत ओल्ड होते जा रहा है टाइम बाय टाइम, तो इसकी लाइफ ख़त्म होते जा रही है। या सो इसमें ये गेम चल जा रहा है, ये एक्चुअली ब्लॉकमैन गो से बहुत ज़्यादा उसका है, MB का है, बट फिर भी ये चल जा रहा है सरप्राइजिंगली। बस वीडियो बनाने में ही लैग कर रहा है मेरे डिवाइस में, और अगर आपको बहुत अच्छा डिवाइस है तो लैग ही नहीं करेगा। या मैंने दूसरे डिवाइस पर ट्रैक करा है विथ रिकॉर्डिंग, और बस वो रिकॉर्डिंग को अपलोड नहीं करा मैंने। और नहीं करना भाई, नहीं खेलना। आप लोगों को इनवाइट, रैंडम पीपल को इनवाइट कर सकते हो, जैसे देखो मैंने अभी 5v5 पर करा है, रिसेंटली प्लेड लोग हैं ये लोग, इन लोगों के साथ मैंने रिसेंटली खेला था, मैं इनको वापस बुला सकता हूँ। और आप फ्रेंड्स भी बना सकते हो, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, पूछना मत क्यों, बस नहीं है। और रैंक अप कर सकते हो, या मेरी अभी सीजन 1 की रैंक 1, हाँ रैंक मतलब बहुत लो है, क्या मतलब मैंने पहले ब्रॉन्ज 1 पहुंचा दी थी, फिर वापस हार हार के ब्रॉन्ज 3 पे आ गया मैं। हाँ, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। गिल्ड, ये चीज थोड़ी लाइक आपको पता ही होगी तो मैं नहीं समझा रहा, गिल्ड पता ही है आपको क्या होता है अगर आप फ्री फायर लवर्स हैं। अगर कोई मेरे से पूछेगा फ्री फायर या पबजी, मैं बीच में बोलूँगा कॉल ऑफ ड्यूटी, बात मत करना मेरे से कॉल ऑफ ड्यूटी क्यों बोल रहा हूँ। पबजी लाइक पबजी भी ठीक है बट फ्री फायर भी ठीक है, लाइक पर्सनल ओपिनियंस हैं लोगों के, लोगों को पर्सनल ओपिनियंस, उनके ओपिनियंस हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ। कोडेक्स, यस एक और मेन चीज, कोडेक्स है पास, दो पास हैं, फ्री पास और प्रो पास। प्रो पास आपको बाय करना पड़ेगा, और लाइक डेली क्वेस्ट और चैलेंज क्वेस्ट, दो टाइप ऑफ क्वेस्ट होते हैं। ये मैं क्लेम नहीं कर सकता हूँ बिकॉज मेरे को एक्चुअली ये बाय करना पड़ेगा, जो कोडेक्स है ना प्रीमियम वाला वो करना पड़ेगा, उसमें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलते हैं। अगर आपको करना चाहते हो तो आप कर सकते हो बट मैं नहीं करूँगा बिकॉज ये गेम जस्ट मैंने ट्राई करने के लिए इंस्टॉल करा था और मैं इसका फ़ैन बनते जा रहा हूँ, समझ ही सकते हो। और इसमें डिफरेंट मोड्स भी हैं, यस 5v5 प्रैक्टिस, 3v3 प्रैक्टिस, 1v1 प्रैक्टिस। 1v1 तो बहुत सही रहता है यार, मिड लेनर वांटेड, सिर्फ मिड लेन रहेगी, ट्रेनिंग कैंप रहेगा, और ये तो स्टैंडर्ड मोड था, अब रहेगा आर्केड मोड।
मैं स्वाइप करते जा रहा हूँ, आप नाम पढ़ लो। ये आर्केड मोड जो है ना, वो मैंने डाउनलोड भी नहीं करा है। अब यहाँ पे आओगे देखो, आर्केड मोड रिसोर्स यहाँ पे ऊपर दिखा रही है, आर्केड मोड रिसोर्स। वो एक्चुअली ना, मतलब जितनी कम MB में अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकता हूँ, मैं उतनी कर रहा हूँ। इसको भी करी तो 1 ही तो MB है, 1 MB से क्या हो रहा है मेरे डिवाइस में। और जैसे आपको दिख सकता है ऊपर एकदम टॉप राइट में, यहाँ एकदम टॉप राइट में मेरे पिंग, हाँ मेरे पिंग्स और बैटरी दिखाता है। और ये टोटल फेयर बैटरी है, या 625 वो तो टाइम है। हाँ 42% बैटरी है, और वो एक्चुअल सही भी दिखा रहा है थोड़ी। और जब लो रहती है तो वो येलो हो जाता है और रेड भी हो जाता है। और जैसे अभी मैं चार्जिंग है, तो चार्जिंग पे वो चार्जिंग दिखा रहा है। अब मैं बिना चार्जिंग, चार्जर टाइट है मेरा, बिना चार्जिंग के करूँगा तो आप ऊपर नोटिस कर सकते हो कि चार्जिंग के लिए, चार्जिंग का वो हट चुका है। तो आप ये भी ध्यान दे सकते हो कि ये गेम एक्चुअल हर चीज़ पे कितना फोकस देता है, हर चीज़ पे बहुत फोकस देता है ये गेम, बहुत ज़्यादा। और आपको डेली रैंक मैच रिवॉर्ड भी मिलता है, आपको ये पता है? आप जैसे एक मैच खेलोगे, आपको मिलेगा एक लाइक रिवॉर्ड मिलेगा खेलने के। तो हाँ बहुत सही है। मैं बट कभी भी यहाँ पे जो चैट है ना, इस पर इसको मत ही वो करना यार। यहाँ पर लोग दुनिया भर की फालतू बातें करते हैं। एक दिन मैं जो जनरल में चैट देख रहा था, पता नहीं क्या ही बातें कर रहे हैं यार, पता नहीं, पूछो मत। अगर तुम आओगे और थोड़ी देर जनरल में बैठ जाना, तुम समझ जाओगे क्या होता है जनरल चैट में। एक बार मैं एक सर्वर में कनेक्ट हुआ, वहाँ की जनरल चैट, भाई क्या लोग थे भाई, वो मैं भूल नहीं सकता उन लोगों को। ओके मेरे को एक और इनवाइट है, टीम रिकमेंडेशन, उनको मेरी रिकमेंडेशन हुई है। और अगर आप फ्रेंड्स के साथ खेलोगे ना, आपको बोनस एक्चुअली रिवॉर्ड्स, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मैं नॉर्मल मैच खेल रहा हूँ, मेरे को मिलेंगे 50 कॉइन्स। दोस्त के साथ या किसी और लोग जिनने आपको इनवाइट करा, उनके साथ खेलने में आपको 50 to 60 to 70% एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। 50 का 70% निकाल लो, एक्स्ट्रा कितना होता है, समझ जाओ। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये है मेरा, मतलब आप यहाँ पे सब देख सकते हो मेरा टाइटन्स, ये सब लगा करके हिस्ट्री मैच, विक्ट्री 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 विक्ट्री। बस एक ही में टेलनास लिया था मैंने गलती से यार, बाकी सारे। ओह नो गाइज, लिटरली वो मैच का मत देखना, वो मैच में सेकंड नाम जो था मेरे नीचे, वो बिल्कुल मत देखना, रिवर्स करके भी मत देखना। बस एक ही मैच में मैं बीच में MVP नहीं आया हूँ, और एक और मैच में, बस 2 ही मैच में MVP नहीं आया, बाकी सारे मैच में MVP आया हूँ यार। और ये मेरी सारी इक्विपमेंट्स हैं। अब मैं इक्विपमेंट्स के बारे में अगर मैं एपिसोड 3 बनाऊंगा इसका, तो मैं एपिसोड 3 में बताऊंगा कि इक्विपमेंट्स क्या होती हैं और किस कैसे काम आती है हर एक इक्विपमेंट। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। या यू डोंट लाइक, हाँ तो लाइक भी कर दो। और वीडियो मतलब 2 लाइक होते हैं, तो वीडियो लाइक करना, वीडियो लाइक नहीं करा तो कर दो। और वीडियो पसंद आई कि नहीं आई, वो वाला लाइक, डिड यू, हाँ मतलब तुम कंफ्यूज रहोगे तो छोड़ो। दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो, एंड होप यू गाइज एंजॉय। सब्सक्राइब भी कर लेना, मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार, क्योंकि मेरी जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें बहुत गंदा रिस्पॉन्स गया, इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो होप
एक ब्लास्टर वीडियो आएगी, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन आया है, मैं वो ट्राई कर सकता हूँ हैंड कैम में, क्योंकि जो दूसरा फोन है ना उसमें वो चल सकता है। या सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।